बारे में, हिटार्फ मेथड से आप ट्रांसपोर्ट नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं वो चीज़ हम देखेंगे हिटार्फ मेथड के बारे में। हालांकि जो ट्रांसपोर्ट नंबर होता है इसको दो तरीकों से आप फाइंड कर सकते हैं, एक तो हमारा मूविंग बाउंड्री मेथड होता है, दूसरा हमारा हिटार्फ मेथड होता है। तो हम आज जो फाइंड करेंगे वो फाइंड करेंगे हिटार्फ मेथड के बारे में, अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे मूविंग बाउंड्री मेथड। तो हिटार्फ रूल ध्यान से समझिएगा, हिटार्फ रूल कहता क्या है सब कुछ जानेंगे, आज लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको हिटार्फ रूल से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं हिटार्फ रूल पे, क्वेश्चन ऐसे पुटअप्स किए जाते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्ट नंबर, पहले तो आपको यह बताना होगा जो कि हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी कराया है। फिर आपसे पूछा जाता है कि डिराइव इट या फिर कैलकुलेट इट बाय द ट्रांसपोर्ट बाय द हिटार्फ मेथड। और हिटार्फ मेथड में भी दो चीज़ें आप देखेंगे, हिटार्फ मेथड में भी आप दो चीज़ें देखेंगे, एक तो हमारा जैसे मान लीजिए जैसे ये हो गया, एक हमारा इलेक्ट्रोड हो गया, इलेक्ट्रोड ठीक, इलेक्ट्रोड एक तो हमारा अटैकेबल होगा एक नॉन अटैकेबल होगा, अटैकेबल इलेक्ट्रोड अटैकेबल और एक नॉन अटैकेबल। आप कहोगे सर ये क्या होता है, देखिएगा अटैकेबल मतलब इसमें ऐसा इलेक्ट्रोड लिया जाएगा जो कि उस सॉल्यूशन से रिएक्ट कर सके, इलेक्ट्रोलाइट में घुल सके। जैसे अटैकेबल में मान लीजिए हम एजी का इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, बट नॉन अटैकेबल में जिससे कोई भी मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित ही ना हो, ना तो वो घुल सकता है कुछ भी नहीं होगा। जैसे सपोज दैट हम प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लेते थे, तो दो मेथड इसमें भी हैं जो हम हिटार्फ मेथड में पढ़ने वाले हैं, एक तो हम अटैकेबल लेंगे इलेक्ट्रोड, एक नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड लेंगे। यदि हमारा अटैकेबल इलेक्ट्रोड आएगा, ये क्वेश्चंस में आपको बहुत ध्यान देने हैं, क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जब आपके पीटी या फिर प्लेटिनम है, तो प्लेटिनम अगर हमारा इलेक्ट्रोड दिया गया है तो उसे हम किस प्रकार करेंगे, या कोई और भी हो सकता है जैसे कि मान लीजिए वो रिएक्ट ना करे, इलेक्ट्रोलाइट में ना घुले, तो वो क्या होगा हमारा नॉन अटैकेबल होगा। उसके लिए क्या फार्मूले निकलेंगे और अटैकेबल के लिए क्या फार्मूले निकलने वाले हैं, लास्ट तक वीडियो देखेंगे आपको समझ में आएगा। हालांकि मैं लास्ट वीडियो में ये कराऊंगा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि कई बार आपके क्वेश्चंस पूछे भी जा चुके हैं, तो वो चीज़ अगर आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं, हमारा टॉपिक है आज का हिटार्फ मेथड के बारे में। हिटार्फ मेथड पहले जान लेते हैं, जैसे कटायन होता है एक एनायन होता है, पहले ये चीज़ आप समझ लेंगे, कटायन होता है एनायन होता है और मिडल होता है, मिडिल मतलब तीन चीजें होती है, केटायन एनायन और मिडिल, मिडिल कंपार्टमेंट केटायन कंपार्टमेंट एनायन कंपार्टमेंट। तो इसमें बताया जाता है कि जो हिटार्फ मेथड होता है, लिखेंगे हिटार्फ मेथड इज बेस्ड ऑन हिटार्फ रूल। हिटार्फ मेथड जो होता है हिटार्फ रूल पे क्या होता है, बेस होता है, अकॉर्डिंग टू हिटार्फ मेथड। अगर हिटार्फ मेथड के द्वारा देखें, हिटार्फ मेथड क्या कहता है, द फॉल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोडों का फॉल ऑफ कंसंट्रेशन होता है अराउंड एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड के, इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द मूविंग अवे फ्रॉम इट। मतलब अगर हम निकालें केटायन का कंसंट्रेशन, फॉल ऑफ कंसंट्रेशन इन एनायन कंपार्टमेंट, एनायन कंपार्टमेंट में अगर हम केटायन का निकालें, तो केटायन कहाँ जाता है, एनायन की तरफ जाता है, तो एनायन के स्पीड के प्रोपोर्शनल होगा। अर्थात हम यहाँ पर इम्प्लाइज दैट में लिख सकते हैं, इसके कहने के अनुसार ये है कि यदि हम निकालें फॉल ऑफ कंसंट्रेशन निकालें किसका, ऑफ केटायन इन एनायन कंपार्टमेंट, समझ पा रहे ना, फॉल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं एनोड कैथोड के रूप में बोल सकते हैं, या फिर अगर आप केटायन एनायन न बोले तो आप एनोड और कैथोड के रूप में भी बोल सकते हैं। केटायन मतलब जिस पे प्लस चार्ज है, एनायन मतलब जिस पे माइनस चार्ज है, ध्यान समझिएगा। प्लस चार्ज किस पे आता है हमारा, एनोड पर, माइनस चार्ज किस पे आता है हमारा, कैथोड पर, समझ पा रहे हैं ना, कैथोड पे माइनस चार्ज आता है, एनोड पे प्लस चार्ज आता है। तो अब हम बताएंगे फॉल ऑफ कंसंट्रेशन अगर निकालें, कंसंट्रेशन ऑफ एनोड इन कैथोडिक कंपार्टमेंट तो वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्पीड ऑफ एनायन, एनायन होता है ना, ये ध्यान दीजिए केटायन से एनायन की तरफ जा रहा है, तो स्पीड ऑफ एनायन लिखेंगे, स्पीड
ऑफ एनोड, मतलब ये कह रहा है फॉल ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एनोड, एनोड का सॉरी, हाँ एनोड, एनोड का फॉल ऑफ कंसेंट्रेशन हो रहा है किसमें हो रहा है, कैथोडिक कंपार्टमेंट में, मतलब जब ये इधर से कैथोडिक कंपार्टमेंट में इसका कंसंट्रेशन हो रहा है फॉल ऑफ कंसंट्रेशन, तो स्पीड किसके होगा, स्पीड ऑफ एनायन, क्योंकि ये एनायन की तरफ जा रहा है, सेम टू सेम ध्यान समझिएगा, या फिर स्पीड ऑफ एनायन होता क्या है, ये जो होगा प्रोपोर्शनल होगा, स्पीड ऑफ एनायन हम यू ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सब लोग जानते हो यू ए से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, समझ पा रहे हो, यदि हम इसे प्रोपोर्शनलिटी को प्रोपोर्शनल साइन हटाएं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता के यू ए, समझ पा रहे हो, सब लोग समझ पा रहे हो, फॉल ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ कैथोडिक कंपार्टमेंट, क्लियर होता है, अगर हम निकालें फॉल ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ कैथोड इन एनोडिक कंपार्टमेंट, एनोडिक कंपार्टमेंट मतलब ये कह रहा है कैथोड का, ये देखिए कैथोड का यदि हम कैथोड का फॉल ऑफ कंसंट्रेशन किस में हो रहा है, एनोडिक कंपार्टमेंट में, तो किसके वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगा, केटायन के, किस में जा रहा है, केटायन में, तो स्पीड ऑफ या वेलोसिटी ऑफ केटायन तो ये प्रोपोर्शनल होगा, तो इसको लिख सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाएंगे तो के स्पीड ऑफ केटायन, केटायन सी से रिप्रेजेंट करते के यू सी लिख सकते हैं, समझ पा रहे हो ना, अब सिंस वी नो दैट, यदि हम सिर्फ केटायन की बात करें, ध्यान से समझिएगा, सिर्फ और सिर्फ केटायन की बात करें, मतलब ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन, इसे बोलते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन इज इक्वल टू, ये क्या होता है, स्पीड ऑफ केटायन अपॉन स्पीड ऑफ केटायन प्लस स्पीड ऑफ एनायन, ये फार्मूला होता है, पिछले वीडियो में हमने प्रूव किया था, अगर हम ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन निकालें तो स्पीड ऑफ एनायन अपॉन स्पीड ऑफ केटायन प्लस स्पीड ऑफ एनायन होता है, तो यहां पर हम देखें यूसी, यूसी की वैल्यू क्या है आपकी, ध्यान समझेंगे, यूसी की वैल्यू आप निकालोगे, मतलब ये है, ये प्रोपोर्शनल से इसके कॉन्स्टेंट सॉरी कॉन्स्टेंट से हमें नहीं मतलब होता है, अगर हम मतलब भी होता है तो कि इधर डिवाइड करेंगे, इसका भी डिवाइड होगा, इधर भी तो डिवाइड आएगा, अपान के कट जाएगा, तो हम उससे नहीं रिलेटेड करेंगे, हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल ऑफ कंसंट्रेशन इन ग्राम इक्विवेलेंट, अगर हम ग्राम में निकालें तो ग्राम इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, इन ग्राम इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट ऑफ कैथोड ऑफ सी निकाले ना ऑफ कैथोड इन एनोडिक कंपार्टमेंट, एनोडिक कंपार्टमेंट डिवाइड बाय, अब देखिएगा यूसी भी और यू ए भी दोनों को ऐड करेंगे, या तो हम लिखें फॉल ऑफ कंसंट्रेशन इन एनोडिक कंपार्टमेंट प्लस फॉल ऑफ कंसंट्रेशन इन कैथोडिक कंपार्टमेंट, या फिर हम लिख दें ये दोनों ऐड करेंगे, ये जब ऐड करेंगे तो उसको हम लिख सकते हैं टोटल फॉल इन ग्राम, लिख सकते हैं टोटल फॉल इन ग्राम इक्विवेलेंट, टोटल लिख सकते ना कैथोड और एनोड दोनों हो रहा, ग्राम इक्विवेलेंट इन ईच कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यहां तक तो लिख सकते हैं ना, टी प्लस की वैल्यू यहां तक बिल्कुल आराम से आ सकती है, अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकेंड लॉ, फैराडे के सेकेंड लॉ के अनुसार क्या होता है, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकेंड लॉ, लिख लेंगे अकॉर्डिंग, ये वैल्यू हमारी निकली है टी प्लस की, हम टी माइनस भी निकाल सकते हैं, तो हमें बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लास्ट में हम टी माइनस सिमिलरली करके निकालेंगे, या तो हम टी माइनस निकालें या तो दोनों साथ साथ निकालें, दोनों साथ निकालने का कोई मेथड तो हो नहीं सकता, कोई मतलब तो हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे टी प्लस एक बार निकाल रहे हैं, या फिर आप टी माइनस निकाल लीजिए, बाद में हम सिमिलरली करके लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकेंड लॉ, फैराडे की सेकंड लॉ के अनुसार क्या बोला जाता है कि जो फॉल टोटल फॉल होता है, टोटल फॉल इन ग्राम इक्विवेलेंट इन ईच कंपार्टमेंट कंपार्टमेंट इज प्रोपोर्शनल टू, देखिएगा जो टोटल फॉल होता है ये ईच कंपार्टमेंट में वो प्रोपोर्शनल होता है इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, लिखेंगे नंबर ऑफ
ग्राम इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कॉपर डिपोजिटेड इन कॉपर किलोमीटर। मतलब ये कह रहा है कि जो फैराडे सेकंड लॉ के अनुसार जो टोटल फॉल होता है ग्राम इक्विवेलेंट इच कंपार्टमेंट में वो क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कॉपर डिपोजिटेड, मतलब कॉपर किलोमीटर में कॉपर का कितनी संख्या में कॉपर डिपोजिट हो रहा है उसके बराबर होता है। जो टोटल नंबर होता है, टोटल नंबर ऑफ फॉल ऑफ कंसंट्रेशन इन इक्विवेलेंट में वो क्या होता है, कॉपर किलोमीटर में कितना कॉपर डिपोजिट हो रहा है उसके नंबर के बराबर आता है। तो ये वैल्यू इसकी जगह पर हम यहाँ पर रख सकते हैं, तो रख लीजिए। अतः हमारा जो टी प्लस की वैल्यू आ जाएगी ये क्या आ जाएगी, फॉल ऑफ कंसंट्रेशन इन ग्राम इक्विवेलेंट, बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें, ऑफ कैथोड इन एनोडिक कंपार्टमेंट। अगर आप इतना ना लिखना चाहें कंपार्टमेंट, देखिएगा ध्यान से, अगर हम ना लिखना चाहते इतना लिख सकते हो, फॉल ऑफ कंसंट्रेशन इन ग्राम इक्विवेलेंट इन एनोडिक कंपार्टमेंट, किसका हो रहा है, कैथोडिक का ही होगा, और लिख देते हैं और भी बेटर हो जाता है, अपान इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, क्योंकि ये इसके प्रोपोर्शनल होता है, तो लिख देंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कॉपर डिपोजिटेड इन कॉपर किलोमीटर। ये हमें फार्मूला मिला। अब इस फार्मूले में हम पहले वैल्यू किसके निकालेंगे, फॉल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैथोड इन एनोडिक कंपार्टमेंट का, उसके बाद नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कॉपर डिपोजिटेड इन कॉपर किलोमीटर में कितने कॉपर डिपोजिट हो रहे हैं उसको वैल्यू निकालेंगे, फिर हम इसमें जब वैल्यू रखेंगे तब जाके हमें वैल्यू फाइंड होगा। यहाँ तक नोट करें फटाफट, हटाया जाए, चलिए हटा दें। अब देखिए आगे कहा क्या रहा है, पहले हमें वैल्यू निकालनी होगी फॉल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैथोडिक, ना एकदम सिंपल है, कुछ है नहीं इसको निकालना, कैसे निकाला जाएगा भी चुटकियों में आपको समझ में आ जाएगा। दो प्रोसेस हम ये लेंगे यहाँ पर, एक तो हमारा अटैकेबल होगा, एक नॉन अटैकेबल होगा, अटैकेबल के लिए कितना आएगा और एक नॉन अटैकेबल के लिए कितना आएगा, लिख लेंगे यहाँ पर। फर्स्ट केस नंबर फर्स्ट में क्या होगा, इफ इलेक्ट्रोड इज नॉन अटैकेबल, यदि हमारा इलेक्ट्रोड अटैकेबल नहीं है, मतलब हम कौन सा लेंगे, पीटी इलेक्ट्रोड यूज्ड, सबसे पॉपुलर यही है, प्लेटिनम अक्सर यूज किया जाता है सभी में, अगर नॉन अटैकेबल की बात है। अब ध्यान से समझिएगा, यदि किसी कंपार्टमेंट में नॉन अटैकेबल है, क्या है, नॉन अटैकेबल, तो करना क्या होता है, पहले आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर में समझिएगा, स्ट्रक्चर क्या है आपका, एक तो हम लेते हैं, कोई ग्लास ट्यूब ले लेते हैं, कंपार्टमेंट है हमारा, और यही सेम इधर भी ले लेते हैं, अब वैल्यू देखेंगे यहां पर, ये इसमें हम, ये तो हुआ हमारा एक एनोडिक कंपार्टमेंट होगा, एक हमारा कैथोडिक कंपार्टमेंट होने वाला है, ठीक, चाहे एक एनोडिक मान लो, एक कैथोडिक कंपार्टमेंट मान लो। अब इसमें AgNO3 का सॉल्यूशन हम पूरा का पूरा डाल देंगे, कंफर्म होता है सबको, फिर हम किसको, उसे किससे कट करेंगे,
और इसे हम स्टॉप कॉक के द्वारा क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, ताकि जब हमें ज़रूरत हो हम इसको खोल सकें। जैसे ही खोलेंगे तो हमारा सॉल्यूशन नीचे की तरफ निकल जाएगा, स्टॉप कॉक की तरह हम की सहायता से हम बंद किए हैं। ठीक, अब देखिएगा, ये तो हमारा एक हो गया एनोडिक कंपार्टमेंट। एनोडिक कंपार्टमेंट जरूरी नहीं है कि आप बाएं साइड वाला ही एनोडिक ले लो कंपार्टमेंट, और उसी प्रकार ये हो जाएगा हमारा एक कैथोडिक कंपार्टमेंट। कैथोडिक कंपार्टमेंट ये क्या है हमारा, ये चीज दोनों स्टॉप कॉक सीओसी के, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, अगर यहां पर बंद किए हैं तो ये बंद रहेगा और हमारा रिएक्शन चलता रहेगा। हम जैसे ही ओपन करेंगे इसमें से जो विलयन होगा, हमारा सॉल्यूशन होगा, वो नीचे की तरफ निकल जाएगा, जहां से जहां पर हमें डालना होता है वहां से हम डाल सकते हैं। ठीक, फिगर सब लोग बनाते चलेंगे। इसमें हमने एक इलेक्ट्रोड डाला है, क्या डाला है, इलेक्ट्रोड। जब हमारा बात हो रहा था नॉन अटैकेबल की, तो नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड होने वाला है ये, कौन सा होगा, नॉन अटैकेबल मतलब प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड होगा, दोनों हमारा प्लेटिनम के ही इलेक्ट्रोड लिए जाएंगे, अटैकेबल नहीं होंगे। ठीक, ये भी हमारा प्लेटिनम का ही इलेक्ट्रोड लिया जाएगा। इसमें हमने AgNO3 का विलयन डाल दिया है, सॉल्यूशन डाल दिया किसका, AgNO3 का, टोटल दोनों में हमने यहां से एक किसको ज्वाइन किया है, एक मिडिल कंपार्टमेंट को हमने यहां से ज्वाइन किया है, या फिर सेंट्रल कंपार्टमेंट आप इसे बोल सकते हो। ठीक, इसको अभी हमने स्टॉप कॉक के द्वारा क्लोज कर दिया। अब जब इसको हम जोड़ते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल कंपार्टमेंट। यहां तक सबको क्लियर समझ में आ रहा है, यहां तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अब हम एक बनाते हैं कूलोमीटर, क्या बनाएंगे, कूलोमीटर। इधर भी एक हम लगा देते हैं कंपार्टमेंट, ताकि इधर भी हमें जरूरत पड़ी तो हम खोल के बंद कर सकें। ठीक, और इधर भी लगा देते हैं हम स्टॉप कॉक, स्टॉप कॉक दोनों तरफ लग चुके हैं। अब देखेंगे एक को हम किससे जोड़ देंगे, और दूसरे को भी हम इसी से जोड़ देंगे। ये किस क्या है हमारा जानते हो, जिसको जोड़ रहे हैं इलेक्ट्रोड से जोड़ रहे हैं, और ये चीज हमारा एक कूलोमीटर है। क्या है, एक कूलोमीटर। एक हम बैटरी लगा देते हैं इसमें, और एक रजिस्टर भी लगा देते हैं ताकि हम कम ज़्यादा कर सकें इसको, और एक हम इसको एमीटर के द्वारा मेजर करने के लिए एमीटर लगा दे रहे हैं। कंफर्म हुआ है यहाँ तक करंट को एमीटर करने के लिए। अब क्या करते हैं, जब हमारा ये नॉन अटैकेबल होता है, हम इसमें AgNO3 का सॉल्यूशन डाले हुए हैं, किसका सॉल्यूशन, AgNO3 का, AgNO3 का, इधर भी सॉल्यूशन, इधर भी सॉल्यूशन AgNO3 का है। जब AgNO3 का सॉल्यूशन हम डाल देते हैं तो हम इसे मिनिमम 0.02 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं, करंट इसमें फ्लो करते हैं, वो भी 2-3 घंटे के लिए। प्रवाहित करने के लिए जब हम इसको 2-3 घंटे तक इसमें करंट फ्लो करवाते हैं तब जाके हमारा रिएक्शन मिलता है। इधर अभी क्लोज किए हैं, ठीक, हम करवाते हैं, हमें क्या मिलेगा, जब ये नॉन अटैकेबल है मतलब प्लेटिनम कोई इलेक्ट्रोड कोई इसमें रिएक्शन नहीं करेगा, AgNO3 से कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा। अगर ये होता तो ये AgNO3 की जगह पर, ध्यान दीजिएगा, AgNO3 का जो हम सॉल्यूशन डाले हैं यहाँ पर, जैसे दूसरा होता तो हम वहाँ पर Ag या फिर कुछ और होता जैसे कापर होता तो CuNO3 बना लेता।
ठीक। तो लेकिन पीटी ऐसा नहीं करता, किसी से भी रिएक्ट नहीं करेगा, जब रिएक्ट नहीं करेगा तो ये नॉन अटैकेबल कहा जाएगा। और हम बताएंगे यहां पर पहले यक्स ग्राम लिए थे, हम बताएंगे अमाउंट ऑफ एजी, लिखेंगे इधर अमाउंट ऑफ एजी प्लस इक्वल टू क्या हो गया, मान लीजिए हम सपोज कर लेते हैं यक्स। आप देखेंगे AgNO3 इसमें भी भरा है, AgNO3 ठीक, AgNO3 इधर भी है और AgNO3 इधर भी है। तो ये क्या है हमारा एनोडिक कंपार्टमेंट, ये क्या है एनोडिक कंपार्टमेंट, मतलब इसे पॉजिटिव आएंगे, इस पे होंगे हमारे किटैन और इधर क्या होगा किटैन होगा, इधर ध्यान समझिएगा, और इधर क्या होगा AgNO3, ये हमारा कैथोडिक कंपार्टमेंट, इधर है हमारा एनायन, समझ पा रहे हैं, इधर हमारा एनायन। तो एनायन की तरफ कौन जाएगा, जो पॉजिटिव वाला होगा मतलब Ag+ इधर जाएगा, Ag+ इसके द्वारा इस साइड जाएगा, और इधर क्या है कैथोडिक कंपार्टमेंट मतलब इधर एनायंस हैं नेगेटिव चार्ज, तो ये कैटायन की तरफ आएगा, तो नेगेटिव कौन है NO3-, क्योंकि भाई AgNO3 किस में टूटता है, Ag+ NO3- माइनस, तो इस प्रकार से ये क्या होंगे टूट जाएंगे। अब समझेंगे हम अमाउंट ऑफ Ag+ इक्वल टू x, मान लिए बिफोर फ्लो करंट, करंट के फ्लो होने से पहले Ag का जो अमाउंट था वो हमने माना था x, और अमाउंट ऑफ Ag+ y माना कब, आफ्टर फ्लो करंट या करंट फ्लो, आफ्टर करंट फ्लो, करंट के फ्लो होने के बाद, मतलब आप समझेंगे करंट के फ्लो होने से पहले हमने क्या माना था x माना था, करंट के फ्लो होने के बाद हमने इसका y मान लिया। अब जब इसमें करंट फ्लो कराएंगे Ag+ की मात्रा घटेगी बढ़ेगी, घटेगी क्यों, क्योंकि PT तो कोई रिएक्शन कर नहीं रहा है तो बढ़ेगी कहां से, ये नॉन अटैकेबल है, आफ्टर इट इसकी मात्रा घट जाएगी, तो y जो होगा x की अपेक्षा कम होगा, तो x इज ग्रेटर देन y, x जो होगा y की अपेक्षा क्या होगा कम होगा। तब हम अगर बताएं कि फॉल ऑफ कंसंट्रेशन इन, तब के अगर हम बात करें हेंस फॉल ऑफ कंसंट्रेशन इन ग्राम इक्विवेलेंट, इन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैथोड इन एनोडिक कंपार्टमेंट, इन एनोडिक कंपार्टमेंट, एनोडिक कंपार्टमेंट का हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एनोड पे क्या होता है हमारा केटान होते हैं, इसीलिए हम पॉजिटिव वाला ले रहे हैं, इधर ही हम पॉजिटिव वाला ले रहे हैं, अगर हम निगेटिव वाला ले रहे होते तो NO3 की बात करते, वो निगेटिव वाले में लेते, आफ्टर इट हम सिमिलरली करके दिखा देंगे, अभी हम देख रहे हैं ना एनोडिक कंपार्टमेंट लिए, जब अगर हम कैथोडिक कंपार्टमेंट लिए होते तो इधर ही NO3 की बात करते, जो ये लिखे हैं अमाउंट ऑफ NO3 निकालते, तो इसकी कंपार्टमेंट क्या बात हुई, जब x जो है y से बड़ा है तो पहले माइनस इनिशियल करेंगे, क्योंकि फॉल ऑफ कंसंट्रेशन एनोडिक कंपार्टमेंट निकालना है, फाइनल पहले वाला क्या था हमारा x, पहले वाला हमारा था x माइनस y, इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड हो गई। अब बात करनी है इसकी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कॉपर डिपॉजिटेड इन कॉपर किलोमीटर, कॉपर किलोमीटर में कॉपर कितना डिपॉजिट हो रहा है, लेट वेट आप यहां पर लिख लेंगे, इसे बना लेंगे इक्वेशन नंबर टू, शायद फर्स्ट बनाए थे क्या, नहीं भी बनाए होंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसे बना लीजिए। अब बना लीजिए इसको, लेट वेट ऑफ कापर, कापर का वेट मान लेते हैं स्मॉल डब्ल्यू, कापर का वेट मान लेते हैं स्मॉल डब्ल्यू, जब कापर का वेट स्मॉल डब्ल्यू मारेंगे तो बताएंगे टोटल फॉल इन कंसंट्रेशन, तब टोटल फॉल हो जाएगा, टोटल फॉल इन कंसंट्रेशन मतलब इसकी बात हो रही है कंसंट्रेशन, इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट की वैल्यू स्मॉल डब्ल्यू ही माने हैं, और मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है इसका 31.8 होता है, इसको मान लेते हैं हम एक स्मॉल जेड,
कुछ भी मान सकते हैं, हमने मान लिया स्मॉल सेट। हेंस जो टी प्लस की वैल्यू आ गई फॉल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, ये इक्वेशन टू से हम दिखा देंगे, एक्स माइनस वाई अपान नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कॉपर डिपॉजिटेड इन कॉपर कोलोमीटर में कितना टोटल फॉल कंसंट्रेशन हो रहा है इसका स्मॉल जेट, और वैल्यू कितनी है डब्ल्यू अपान 31.8। ये टी प्लस की वैल्यू निकली एक्स माइनस वाई अपान जेट, लिख लेंगे। अगर हम सिमिलरली टी माइनस की निकालना चाहें, टी माइनस की मतलब ये तो हमारा प्लस का निकला, तो मतलब ए जी प्लस का निकल गया, ए जी प्लस का हमारा ट्रांसपोर्ट नंबर निकला। अगर हम माइनस निकालना चाहें टी माइनस, तो कैसे निकालेंगे, तो हम फार्मूला जानते हैं, सिंस टी प्लस प्लस टी माइनस इक्वल टू वन, और टी माइनस हम निकालना चाहें तो वन माइनस टी प्लस हो जाएगा, और वन माइनस टी प्लस की वैल्यू दी गई है एक्स माइनस वाई अपॉन जेड, टी माइनस की भी वैल्यू हमें मिल जाएगी। नोट कर लेंगे, समझ में आया, चलिए हटा जाए, करना कुछ नहीं था, सिर्फ इतना ध्यान देना था अगर ये अटैकेबल नहीं होगा तो पहले की वैल्यू कम होगी, पहले की वैल्यू ज़्यादा होगी, अमाउंट ज़्यादा होगा आफ्टर बाद वाले के अपेक्षा, तो जो ज़्यादा होता है उसमें से कम वाला घटाएंगे। तो फॉल ऑफ कंसंट्रेशन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैथोडिक इन एनोडिक कंपार्टमेंट हम निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर समझेंगे, अगर आप एनोडिक इन कैथोडिक कंपार्टमेंट में निकालने होते तब आपको NO3 की अमाउंट यहाँ पर फाइंड करनी पड़ती। यहाँ तक सबको क्लियर होता है? अब हम बात करेंगे इफ इलेक्ट्रोड इज अटैकेबल, हमारा इलेक्ट्रोड क्या है, अटैकेबल है, तब यहाँ पर हम पीटी नहीं लेंगे। यदि हमारा इलेक्ट्रोड अटैकेबल है तब हम क्या करेंगे, वो चीज़ हम ध्यान देने वाले हैं। अब हम जब अटैकेबल इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे तो यहाँ पर जो हम यूज करने वाले हैं ये यहाँ पर एजी इलेक्ट्रोड यूज होगा, एजी के इलेक्ट्रोड इधर भी यूज होंगे, एजी के इलेक्ट्रोड इधर भी यूज होंगे। अब सॉल्यूशन किसका है उससे नहीं मतलब, एजी के इलेक्ट्रोड यूज होंगे, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, बट इसमें जो यूज किया गया था वो एजी इलेक्ट्रोड, इसलिए हम एजी का ही बता रहे हैं, ठीक। अब अमाउंट ऑफ एजी का पहले एक्स था, अमाउंट ऑफ एजी सब कुछ वही होने वाला है, लेकिन यहाँ पर जब ये अटैकेबल होगा तो एजी जो है ये भी तो उसमें मिलेगा, सॉल्यूशन में मिलेगा, मतलब जब ये सॉल्यूशन मिलेगा तो एजी का अमाउंट बढ़ाएगा घटाएगा, बढ़ाएगा। एजी NO3 का सॉल्यूशन भी है, एजी का हमारा क्या बोले थे इसको इलेक्ट्रोड भी है, तो ये अटैकेबल है, मतलब उसमें सॉल्यूशन में परिवर्तित करेगा, तो जब उसमें घुलेगा तो एजी का अमाउंट बढ़ेगा, जनरली सी बात है, आफ्टर इट बढ़ेगा तो एक्स इज लेस देन वाई, वाई की अपेक्षा एक्स छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पर जो कंपार्टमेंट निकलने वाला है वो हो जाएगा वाई माइनस एक्स, क्या होगा वाई माइनस एक्स। लेकिन समझेंगे यहाँ पर ऐसे वाई माइनस एक्स नहीं निकालते हैं, यहाँ पर जो निकालने वाले हैं, यहाँ पर पहले निकालते हैं जिसे जेड है, टोटल कंपार्टमेंट निकालते हैं, जब हमारा अटैकेबल होता है तो टोटल में से इस पॉइंट को घटाते हैं, अर्थात यहाँ पर जो लिया जाने वाला है वाई माइनस एक्स लिया जाएगा, तो टोटल में से जब हमारा अटैकेबल होगा ये ध्यान देंगे, तो टोटल में से टोटल हमारा जेड है इतना घटा देते हैं वाई माइनस एक्स, ये वैल्यू है हमारी, टोटल में से हम इतना घटा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये अटैकेबल है, एजी उसमें जा रहा है, उसकी मात्रा को बढ़ा रहा है, मतलब अमाउंट ऑफ एजी इज इंक्रीजेस, जब इंक्रीज होगी तब जाकर हम टोटल मतलब टोटल कितना यहाँ पर किलोमीटर में कापर कितना डिपॉजिट हो रहा है, जितना कापर डिपॉजिट हो रहा है उसमें से हम इसकी अमाउंट को माइनस करेंगे, टोटल में से माइनस करते हैं जब ये अटैकेबल होता है। अब क्या करना है, अब तो सिंपल सी बात है, अब टी प्लस की वैल्यू अगर निकालनी हो, मतलब टी प्लस की अगर हम वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें, तो टी प्लस की वैल्यू फॉल ऑफ कंसंट्रेशन मतलब उसकी वैल्यू कितना है, जेड माइनस वाई माइनस एक्स डिवाइड बाई जेड, और इसी तरह जब उसका टी माइनस निकालेंगे तो वन माइनस जेड माइनस वाई माइनस जेड अपान जेड। इसको और सॉल्व करना चाहें तो और भी सॉल्व कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसी को पहले सॉल्व कर लें तो जेड माइनस वाई प्लस में एक्स अपान जेड हो जाएगा, या फिर अगर ये भी ना करने तो t माइनस डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम कि t माइनस इक्वल टू वन माइनस, क्योंकि हम जानते हैं t प्लस प्लस t माइनस इक्वल टू वन होता है, तो जा जाएगा वन माइनस में हो जाएगा, अभी हमने पहले ही दिखाया था जेड माइनस वाई माइनस एक्स अपान में जेड, ऐसी हम लेंगे जेड माइनस जेड माइनस में वाई माइनस एक्स अपान में जेड, ये तो कन्फर्म हुआ।
अब जब माइनस यहाँ पर कट कर, ये ऐसे था ना, माइनस जब मल्टीप्लाई किया तो ये तो माइनस हुआ, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हमारा कट जाएगा, क्या बचेगा, वाई माइनस एक्स अपान में जेड टी माइनस। नोट करेंगे, नोट कर लिए। चलिए तो अब हम जब क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन सॉल्व करवाएंगे हिटॉर्फ मेथड के द्वारा, ट्रांसपोर्ट नंबर निकालेंगे, जब आपसे पूछा जाएगा यदि अटैकेबल होगा तब कौन सा फार्मूला आप लगाना होगा, अगर पॉजिटिव के लिए जैसे एजी प्लस के लिए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नंबर निकालोगे तो ये फार्मूला तुरंत लगाओगे, हालांकि ये जेड वाई एक्स की सब वैल्यू दी रहेगी वहाँ पर, ऐसा नहीं है कि नहीं दी रहेगी, सबकी पहले की अमाउंट क्या था, पहले मान लीजिए 10 मोल था, बाद में हमारा जाके 5 मोल हो गया, कुछ भी दिया रहेगा आपका, वहाँ से आपको दिक्कत नहीं लेना है। तो पहले माइनस वाला फिर निकालेंगे तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, सिंपल सा, इतना करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट यही लगा देंगे, नहीं पता है तो यही लगा देंगे, तो बाद में हम सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। जब नॉन अटैकेबल था तब कौन सा लगाने थे, तब तो हमें मालूम ही है x माइनस वाई अपान जेड, उधर 1 माइनस x माइनस वाई अपान जेड। तो आज के लिए बस इतना ही, यही हम प्रूव करवाने वाले थे, हिटॉर्फ मेथड आपको उम्मीद करते समझ में आया होगा, थोड़ा सा ये कुछ बच्चों को लेंदी टॉपिक लगा होगा, हमने ज़्यादा बड़ा इसलिए बनाया ताकि सभी बच्चे इसको समझ पाएँ, कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है, एक बार फिर से आप रिवाइज करके वीडियो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से बनिए, ध्यान से पढ़िएगा इसको, इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा बड़ा करके बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।